परिवर्तन द चेन संस्था की ओर से गंगा स्नान के पर्व पर जागरूकता अभियान चलाया गया और कैंप लगाया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने अभियान में भाग लेकर सभी आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि गंगा किनारे आने वाले श्रद्धालु पूजा सामग्री को गंगा में प्रवाहित करते हैं, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी श्रद्धालु को जागरूक करते हुए गंगा की सफाई में सहयोग करने की अपील की गई। सभी को गंगा में कूड़ा न डालने के लिए बताया गया और सभी से कहा गया कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है और इस अभियान में सभी को साथ देना चाहिए। आज तो है ना सुबह के समय करीबन 5 बजे हमने थोड़ा आगे गंगा जी पाके फूल मालाएं इकट्ठे करके अपने गड्ढों में डाला। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जो धर्म की सामग्री चीज होती है पूजा सामग्री की, वो गंगा जी ने फेंक के किसी एक गड्ढे में जाने जिससे कि हम उससे दफना सके। तो पैरों मांगे आना वो हमारे धर्म के अंदर की वो है कि हम उससे पहले यूज कर रहे हैं पूजा के, हमें बाद में उसकी व्यक्ति कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि गंगा यहाँ नहीं, यहीं पर गंगा हो, उसके मैंने उद्देश्य का सफाई लेनी चाहिए। कितना परिवर्तन आया है अभी? तो हमने करीबन संडे कम कर रहे हैं कार्यक्रम। कोशिश हमारी यही है कि क्षेत्र के लोगों पहले जागरूक कर रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं। बाकी आगे जो जैसे मंदिर पे नवरात्र मेला होता है, आगे योजना है कि नवरात्र मेले में हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु आए बाहर से वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें खासकर।